to World of Fashion and Designing. Fashion and Designing is all about dreaming. So be an IFite. Fulfill your dreams and start making other people dream. International Institute of Fashion and Arts, one of the best designing institute of India, IFA. I am an IFite. Yes, I am an IFite. Design your future. अयोध्या से बड़ी खबर। अयोध्या में हाई सिक्योरिटी येलो जोन में माधुरी कुंज मंदिर से चोरी हुई बेशकीमती श्री राम की मूर्ति। 24 घंटे बाद भी पुलिस नहीं लगा पाई पता कि आखिर कैसे हुई है बेशकीमती मूर्ति की चोरी। हम आपको बता दें कि कल दोपहर बाद मंदिर से अष्ट धातु की प्राचीन मूर्ति चोरी हो गई। चोरी की घटना को थाना राम जन्मभूमि में दर्ज कर पुलिस मूर्ति बरामद करने में जुट गई है। मंदिर से भगवान श्री राम की मूर्ति चोरी के बाद से संत समाज में पुलिस के खिलाफ नाराजगी व्याप्त है। वहीं जांच में जुटी पुलिस मंदिर के लोगों पर संदेह का जांच कर रही है। एक नजर बाग है सिंगार हाट जो बैरियर उसको और आगे का रास्ता जाता है वहाँ पे नजर बाग मोहल्ला है। थाना राम जन्मभूमि पड़ता वहाँ एक मंदिर है जुगल माधुरी कुंज करके बहुत ही पुराना मंदिर है। वहाँ थोड़ा सा लोगों का रहना रख रखाव पूरा नागौरी पूरा पुरानी ईंटें हैं उसमें श्री रामलला और जानकी जी की तीन मूर्तियाँ थीं। और कल दिन में पुजारी जी का ये कहना है जो महंत हैं राज बहादुर शरण करके कि हमने दिन में मतलब जैसे 12 बजे के बाद भोग वोग होता है जो भी मंदिर बंद किया। अब फिर 3 बजे जब खोला तो यहाँ मूर्ति नहीं थी। एक मूर्ति नहीं है उसमें छोटी सी 9 इंच लगभग होगी 9-10 इंच की बेस बना उस पर। तो इसमें मुकदमा तुरंत कायम किया गया है 55/19 धारा 457-380 का थाना रंजन भूमि पर। सभी लोग वहाँ गए देखे भी। इसमें जो भी मंदिर में आता जाता हो क्योंकि दिन में जो है दिन में मूर्ति वहाँ से उठाई गई है तो इसको हम लोग छानबीन कर रहे हैं। कोई न कोई जो मंदिर से कनेक्टेड व्यक्ति है उस जिसका वहाँ आना जाना कि उसमें उस जो भगवान श्री रामलला की और माता जानकी जी की मूर्ति है उसमें एक मूर्ति केवल हटाई गई है। अब इसके लिए श्री अयोध्या सब जो टीम बना करके इन्वेस्टिगेशन में लगे हुए हैं। सर कितनी लागत होगी उसकी क्या लागत नहीं इन्होंने तो लगभग 2 लाख रुपया लिखवाया। उन्होंने बताया कि अष्ट धातु की थी और जो तहरीर दिया उसमें लगभग 2 लाख रुपए की बताया है। अब हम लोग ये देखेंगे कहाँ से बनी थी। देश की सबसे हाई सिक्योरिटी जोन से एक अयोध्या के थाना राम जन्मभूमि के येलो जोन से मंदिर की मूर्ति का सनसनीखेज तरीके से चोरी होने से पुलिस विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। चोरी की घटना का उस समय खुलासा हुआ जब मंदिर का पट खुला और युगल सरकार में से मां सीता की मूर्ति विराजमान मिली लेकिन भगवान श्री राम की मूर्ति गायब थी। मंदिर के महंत ने पूरी जानकारी दी। कल दोपहर में हम भोग लगाकर मंदिर बंद करके नित्य नियम जैसे रोज भोग लगता है ठाकुर जी को दिन में 12 बजे 11:30 बजे भोग लग के 12 बजे मंदिर बंद होता है। मंदिर बंद करने के बाद हम लोग अपना भंडारा वगैरह में चले गए और उसके बाद आए तो परिक्रमा वगैरह में थोड़ा बंदर गंदगी किए रहते हैं। बड़ा परिक्रमा है तो झाड़ू वगैरह ये लगा रहे थे जो यहाँ पर कार्यकाज करते हैं झाड़ू बहारू का। फिर शाम को 5 बजे हम जैसे मंदिर खोलने आते हैं रोज फिर अपना स्नान ध्यान करके पहुँचे मंदिर खोलने के लिए तो देखिए यहाँ ताला टूटा पड़ा हुआ था। तो फिर हम मंदिर के अंदर जब गए तो देखा कि ठाकुर जी की एक छोटी विग्रह जो है जो अष्ट उसकी अष्टधातु की है वो चोरी हो चुकी थी। फिर हमने तत्कालीन 100 नंबर को डायल किया और थाना कोतवाली सबको सूचित करके इंक्वायरी करवाया। तब से पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। ये मंदिर का नाम माधुरी कुंज है तो नजरबाग मोहल्ले में स्थित है अयोध्या में। ये भीषमपुर स्टेट महाराज रानी साहिबा द्वारा बनवाया गया हुआ है जिसके वर्तमान राजा दिवाकर कृष्ण भैया जो है मौजूद दिवाकर प्रताप सिंह जी जो इसके वर्तमान राजा हैं भीषमपुर स्टेट के और डैया के भी वो राजा हैं। मौके पर हम यहाँ पर महंत हैं जो है। मौके पर मैंने सूचना पुलिस को दी प्रशासन को दी कोई अधिकारी सारे अधिकारी सीओ आए थे कोतवाल साहब आए थे और एसओ साहब भी आए थे जो है। अयोध्या में हाई सिक्योरिटी येलो जोन से भगवान श्री राम की अष्ट धातु की मूर्ति चोरी हो जाना कहीं ना कहीं पुलिस की लापरवाही को बयां करता है।
अब देखना ये होगा कि पुलिस पर लगा दाग पुलिस कब तक मिटा पाती है। 7A न्यूज के लिए अयोध्या से अश्विनी सोनकर की रिपोर्ट।